आज हम देखेंगे फिनॉल चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। जो फिनॉल होता है वो रिएक्ट करके ईथर बनाता है। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। फिनॉल एल्किल हैलाइड या एल्किल सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एल्कलीन सॉल्यूशंस पे डाल के टू गिव ईथर। तो क्या देता है, ईथर। ठीक है, जैसे ये है फिनोल है, फिनोल है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो फिर एल्किल हैलाइड के साथ या फिर एल्किल सल्फेट के साथ। अगर एल्किल हैलाइड के साथ करेगा तो NaOH, ये क्या है, एल्कलीन सॉल्यूशन है। ठीक है, पहले एल्कलीन सॉल्यूशन के साथ जब फिनोल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पता है कि क्या बनाता है, ओ निगेटिव एन ए पॉजिटिव एन बनाता है। ये बॉन्ड जो ओ एच का ये बॉन्ड होता है, इन दोनों की शेयरिंग होती है, टूटता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। एंड जब एन ए ओ एच टूटता है तो एन ए पॉजिटिव होता है, ओ एच निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले निगेटिव के साथ बॉन्ड बना देगा। तो एच ओ एच है और एच है, तो एच टू ओ बाहर चला जाएगा, बाकी O और Na, O निगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, एंड फिर क्या करेगा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एल्कलीन मीडियम में डाल देना, तो एल्कलीन मीडियम में सबसे पहले फिनॉल रिएक्ट करता है एल्कलीन जो मीडियम है उससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से जो बना हुआ है एल्कलीन मीडियम में, O निगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ, CH3 CH2 और हैलाइड कुछ भी हो सकता है, Cl। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे OCH3 मिलता है हमें, OCH2 CH3 मिलता है। जब ये वाला ये शेयरिंग वाले बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, तो क्या करेगा, दोनों अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसमें निगेटिव चार्ज आता है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो NaCl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बाकी जो बचा है ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ CH2 CH3। ठीक है, क्या बन गया, OCH2 CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ROR क्या बना, ईथर। तो फिनोल से ईथर कैसे बना, एल्कलीन मीडियम में डाला, तो यहाँ पे हमने एल्कलीन मीडियम के साथ रिएक्शन कराई, तो पहले आयंस बने, आयंस ने क्या करा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी और क्या बना दिया, ईथर। एंड सेकेंड थिंग क्या है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करके फिनॉल क्या देता है, ये जिंक डस्ट था, तो हाँ ये ऑलवेजली याद रखना, हीट करने पर हमेशा बेंजीन देता है फिनॉल। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पर क्या देता है, बेंजीन देता है। एंड ये तो उसकी प्रॉपर्टीज है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, इसका हम हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन। ठीक है, इट इज थर्ड, इसमें क्या कराते हैं हम, जो बेंजीन रिंग होती है फिनोल में वो क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमेशा याद रखना, बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो जो ये फिनोल होता है, फिनोल कभी भी हैलोजिनेशन में क्या होगा, Br2 या HCl ऐसे के साथ रिएक्शन होगी, तो Br2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हमेशा इट्स रिएक्ट विद Br2, यानी कि जो भी हैलोजन होगा उसके साथ रिएक्शन करके हमेशा ब्रोमो एल्किन देगा। यहाँ पे OH ऐसे ही रहेगा और क्या करेगा, यहाँ पे Br दे देगा। ठीक है, इस टाइप से 1.2 पोजीशन पे दो Br लग जाएंगे और OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, इसमें ये हुआ। अब ऐसे ही सेम मान लो OH है,
क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या देगा? 3 × 6, 6Br है, जिसमें से क्या होगा, 3HBr बाहर जाएंगे और 3Br यहाँ 1, 2, 3 कॉमन पे जुड़े। देखो जब यहाँ पर से हाइड्रोजन जाएगा तभी तो Br आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर से जब हाइड्रोजन जाएंगे तभी तो Br आएंगे, वरना उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, और यहाँ पर OH पहले से था और 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर से क्या होगा, एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, 3 हाइड्रोजन जब बाहर गए होंगे तभी तो Br आए, तो 3HBr, ठीक है? तो ये तो हैलोजिनेशन था, ठीक है? अब क्या होता है, इफ ये रिएक्शन जो होता है CH2 और CCl4 जो नॉन पोलार सॉल्वेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे पैरा ब्रोमोफिनोल ऑब्टेन होता है, ऑर्थो और पैरा, ठीक है? अगर मान लो क्या, किस किस की प्रेजेंस में, CH2 और CCl4, ये क्या है, ये नॉन पोलार है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे OH है, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे हमें मिल ऑब्टेन होते हैं प्रोडक्ट, जो Br, जैसे ये ऑर्थो पे हो गया, एक हमें कहाँ पे मिलेगा, पैरा पे, यहाँ पे, ठीक है? तो ये इसका कुछ रिएक्शन थी। एंड इसकी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है HNO3 के साथ रिएक्शन होती है H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है, ठीक है? तो इसमें नाइट्रेशन में देखें, नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, ठीक है? ये OH था, हमने क्या कराई, HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप मिलता है, ठीक है? ये OH है, ये ऑर्थो पोजीशन में NO2 हो गया और एक पैरा पोजीशन पे हमें NO2 मिल जाएगा, ठीक है? तो नाइट्रेशन पे क्या हुआ, एक ऑर्थो पे मिला, एक पैरा पे मिला। एंड विथ कंसेंट्रेशन HNO3 पिक्रिक एसिड जो होता है फॉर्म होता है, अगर क्या हो गया, HNO3 जो है बहुत कंसेंट्रेट है, ठीक है, डाइल्यूट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन है उसका, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे इसमें, वाटर की प्रेजेंस कम होगी, तो ये OH है, यहाँ पे फिनोल ग्रुप है और यहाँ पे ज़्यादा कंसेंट्रेट हमने क्या मिला रखा है, HNO3 मिला रखा है, और यहाँ पे ऊपर ही याद रखना है डाइल्यूट है, ठीक है? कैसा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट की प्रेजेंस में एक ऑर्थो पे मिलता है, एक पैरा पे मिलता है, जबकि हम जब कंसेंट्रेट HNO3 डालते हैं तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल है तभी तो कंसेंट्रेट है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड, हम पता है कि क्या होता है पिक्रिक एसिड, यहाँ और दो ऑर्थो पे एक पैरा पे क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, OH, ये पिक्रिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे जब हाई क्या होगी, कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है, ठीक है? ये जब कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी पिक्रिक एसिड मिलेगा, जब डाइल्यूट ज़्यादा होगा इनकी, इसमें वाटर ज़्यादा होगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे। अब नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन में क्या होता है, इसमें NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? चलो फोर्थ देख लो, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी पढ़ा है, इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन में, ठीक है? सल्फोनेशन में क्या होता है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ कंसेंट्रेट H2SO4 एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, एट 100 डिग्री सेल्सियस पैराफिनोल सल्फ्यूनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट है। अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या होगा, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन मिलेगा, अगर 100 पे है तो वहाँ पे हमको पैरा पोजीशन मिलेगा, ये चीज़ नोट कर लो,
20 डिग्री सेल्सियस पे हमें ऑर्थो प्रोडक्ट और उसमें पैरा पोजीशन पे पैरा वो मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पैरा पोजीशन। अब जैसे ये OH है, फिनोल है, ठीक है, दो कंडीशन होंगे, एक क्या होगा 100, एक क्या होगा 20। H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, सल्फोनिक एसिड बनता है। हमें पता है कि जो सल्फोनेशन होता है, सल्फोनिक एसिड मिलता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ पे मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन होती है 1.2SO3H मिलता है, और ये कौन सा है, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक, फिनोल सल्फोनिक, ठीक है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हमें पैरा पोजीशन पे मिलता है, ठीक है, ये पैरा पोजीशन पे हो गया फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो हमने इसमें नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा एंड कुछ रिएक्शंस पढ़ी, एंड सेकंड में हम और रिएक्शन पढ़ेंगे।